सरगुजा पुलिस को अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के चार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस ने इनके पास से देसी पिस्टल, मैगजीन सहित जिंदा कारतूस और 3.5 लाख रुपए नकदी बरामद किया है। आपको बता दें कि बीते दिनों जिले में लगातार एटीएम बूथ पर कार्ड की अदला बदली कर ठगी की वारदातें सामने आ रही थी, जिसकी शिकायत मिलने पर सरगुजा SP भावना गुप्ता द्वारा आला अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है और CCTV फुटेज के आधार पर रेकी की जा रही थी। वहीं आरोपियों को शिनाख्त होने पर 16 सदस्यीय सरगुजा पुलिस द्वारा गठित टीम ने बिहार और झारखंड से आरोपियों को धर दबोचा। वहीं सरगुजा पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में जिले के 8 प्रकरणों सहित संभाग के 20 मामलों का खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सरगुजा पुलिस को ATM स्वैप के मामले में एक अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। फरवरी माह से लगभग 8 ऐसे वारदातें सरगुजा में हुई थी जहां पे ATM स्वैप करके जो है विक्टिम्स का पैसा हरा गया था। इसमें 16 लोगों की एक संयुक्त टीम बनाई गई थी जिसमें इंस्पेक्टर कलीम खान, सब इंस्पेक्टर धीरेन्द्र दुबे और सब इंस्पेक्टर भोज गुप्ता के साथ साइबर की एक 16 लोग की टीम का गठन किया गया था। फाइनली इसमें 4 लोगों को ही गिरफ्तारी की गई है टीम के द्वारा, जिसमें निशांत और दीपक जो वर्साली के रहने वाले हैं और साथ में 2 सहायक राजेश और गोलू, ये पूरा गिरोह अंतर्राज्यीय बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में वारदातें कारदात कर रहा था। सरगुजा में लगभग 8 FIRs हैं और इसी के साथ पूरे रेंज संभाग में लगभग 20 FIRs में इस गिरोह की मौजूदगी पाई गई, एविडेंस पाई गई है। और इनके पोजेशन से 7 मोबाइल फ़ोन, 11 डेबिट कार्ड, 2 POS मशीन, 1 9mm पिस्टल, 3 मैगजीन और 1 लाइव राउंड के साथ में नगद 3,60,000 और 3 लाख बैंक खाते में लगभग 7 लाख रुपए और साथ में एक SUV व्हीकल जिससे ये घूम घूम के पूरी वारदात को अंजाम दे रहे थे, उसको इसमें गिरफ्तार किया गया। ये जो विक्टिम्स हैं, जो बेसहारा लोग हैं जो ATM में अपना पैसा विड्रॉ करने जा रहे हैं, उनको सहायता के नाम पे, हेल्प देने के नाम पे उनसे उनका ATM कार्ड ले लेते थे और साथ ही विक्टिम का जो है ATM पिन वो प्राप्त कर लेते थे। और ये जो POS मशीन्स हैं, इनके गिरोह के कुछ लोग गाड़ी में POS मशीन लेके रहते थे, इमीडिएटली उसको कार्ड को स्वैप करके उस POS के माध्यम से पूरा जो अमाउंट है उसको विभिन्न अकाउंट में ये लोग ट्रांसफ़र करते थे। 8 मामले हमारे यहाँ पे हैं सरगुजा में, 20 मामले पूरे संभाग में हैं और इसके अलावा ये गिरोह लगभग 1 साल से बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में एक्टिव था और इंटरोगेशन में जो सामने आया 100 से ज़्यादा जगहों पर इन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया है।